गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बंसा क्लासेस राउरकेला उड़ीसा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। अब ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है न्यूसेलस जानते हैं, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक हाइपोडर्मल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करके साइज में इंक्रीज हो जाती है, डिफरेंशिएट करके क्या हो जाती है, साइज में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स बोला जाता है, ठीक है। अब आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, ठीक है। जब पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है तो उसमें क्या बनता है, दो सेल बनती है, एक बनती है आउटर, एक बनती है इनर। तो आउटर में बनता है प्राइमरी पैरेटल सेल्स और इनर में बनते हैं वन स्पोरोजिनस सेल्स। जो वन स्पोरोजिनस सेल यानी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म होती हैं, इनको हम, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये लोग एक्ट एज ए मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करते हैं, एमएमसी की तरह काम करते हैं। अब इस एमएमसी के अंदर क्या होता है, डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिकल डिवीज़न होता है, उसके बाद क्या फॉर्म होते हैं, फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, जो टेट्राड कंडीशन में होते हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि तीन मेगा स्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और जो चलाइजा एंड की तरफ होता है वो एक्टिव कंडीशन में रहता है, फंक्शनल कंडीशन में रहता है, और यही आगे जाके क्या फॉर्म करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है। ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था मेगा स्पोरोजेनेसिस। आप शीट में पढ़ेंगे थोड़ा टफ लैंग्वेज लगेगा, लेकिन ये एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपको समझ में आ गया कैसे बना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे हुआ, न्यूसेलस जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मल सेल प्रेजेंट होती है जो डिफरेंशिएट करके साइज में इंक्रीज हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं। जब आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर डिवीजन होता है तो दो लेयर बनती है, एक बनती है आउटर, एक बनती है इनर। तो इसके अंदर क्या होता है, पहला बनता है प्राइमरी पैरेटल सेल, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल जो स्पोर प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये कैसे काम करती है, एक्ट एज ए मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। अब मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है, माइटोटिकली डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या बनते हैं, फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, जो टेट्राड कंडीशन में इस तरीके से अरेंज रहते हैं। इसमें क्या होता है, दो एंड होते हैं आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, एक होता है माइक्रोपाइल एंड, एक होता है चलाइजा एंड। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ तीन जो सेल्स होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, चलाइजा एंड की एक सेल वर्किंग कंडीशन में रहती है, और वही क्या फॉर्म करती है, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर पूरा होता है एम्ब्रियो का इस तरीके से, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, तो देखिए मेगास्पोर बन गया हमारा। मेगास्पोर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेके, ठीक है, ग्रो इन साइज, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसेलस। तो ये अपने को पता रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से न्यूट्रिएंट लेती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेगास्पोर ने कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिया, न्यूसेलस से, और क्या किया, साइज में बड़ा हो गया। अब उसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएंगे, दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, अपोजिट अपोजिट पोल की तरफ चले गए, मूव टू द अपोजिट पोल, फिर वापस से इनके अंदर दोबारा माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, चार न्यूक्लियाई फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो देखिए दो इधर, चार इधर, चार इधर। अब देखिए क्या होता है,
जो आउट फॉर्म बन गए ना, ये फोर बन गए ना, अब फोर में क्या होगा कि ये लोग अपने अपने पोल की तरफ प्रेजेंट है। अब इनमें से एक एक सेल क्या करेगी, मूव करके बीच में आ जाएगी सेंटर में, ठीक है। और ये जो सेंटर में आ जाते हैं तो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब तीन चला जाए एंड की तरफ रहेंगे, तीन माइक्रोपाइल एंड की तरफ रहेंगे, ठीक है। और ये यहाँ कैसे आते हैं, वाया साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड में क्या होगा, तीन सेल बन गई, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी लार्ज सेल होती है, यानी कि अब इस तरीके से देखो, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये तीन सेल फॉर्म होगी माइक्रोपाइल एंड की तरफ, एक दो तीन। जो लार्ज वाली सेल होती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेल बोलते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग ये दो रह गई, इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक्स सेल ये वाली, दो सिनर्जिड सेल ये वाली, आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक अपैरेटस बनाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। इसके बाद जो चलाइजल एंड होता है, चलाइजल एंड में क्या होता है, तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो मिड वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जब पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें तीसरा पार्ट। अब देखिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी दो बोथ पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या कंडीशन फॉर्म करेंगे, 2n कंडीशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि इसमें 7 सेल कैसे हो गई, इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 6 और बीच में एक बड़ी वाली 7। अब न्यूक्लियस 7, न्यूक्लियस इसमें 8 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया आपका, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म बोलेंगे, ठीक है। और ये कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप का होता है, क्यों, ये पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इसको देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट थे जिसने इस पॉलीगोनम स्ट्रक्चर, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इसको देखा था। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब क्या होता है, जो सिंगल मेगास्पोर जब फॉर्म होता है, ठीक है ना, अब सिंगल मेगास्पोर जब डेवलप होता है इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। जहाँ एक मेगास्पोर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप जानते हो विलाई, अपना नाम सुना होगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कहाँ से निकलते हैं, आउटर वॉल ऑफ सिनर्जिड से निकलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिंगर लाइक अपैरेटस, फिंगर लाइक प्रोसेस जो निकलते हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलते हैं, सिनर्जिड सेल से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये सिनर्जिस से फूड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं और ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो सेक के अंदर। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं और कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, इसका एक मेन फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसकी मदद से पॉलन ट्यूब क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है, जिसकी मदद से पॉलन ट्यूब क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया पूरा। ये काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है, लेकिन मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अच्छे से बता दिया। मेगास्पोरोजेनेसिस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोलते हैं ये समझ में आ गया। ये मैंने आपको पूरा एक पार्ट आपका ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये मेजर पार्ट होने के बाद इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा, फिर आप उसको एक बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछिएगा वापस। अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है आपका पॉलिनेशन का, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिए, पॉलिनेशन
पॉलिनेशन क्या होता है बताइए? पॉलिनेशन वो होता है जहाँ पे किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी मीडियम की मदद से पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसमें एग्जांपल्स बहुत आ रहे हैं, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना। अब एक सबसे पहले इसमें टर्म आती है ऑटोगैमी, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? जब सेम प्लांट पे, एक ही प्लांट पे, सपोज कीजिए ए प्लांट है, इसी के पास मेल पार्ट प्रेजेंट है और इसी के पास फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल प्लांट, तो इसी के मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन इसी के फीमेल पार्ट पे जब लैंड कर जाता है तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आती है न्यू, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब टू फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बट ये सेम प्लांट में होते हैं, सेम प्लांट के टू फ्लावर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्लांट सपोज कीजिए ए, एक प्लांट सपोज कीजिए बी, ये दोनों सेम फ्लावर हैं। अब इसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी। इस तरीके का पॉलिनेशन होता है जिटेनोगैमी पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखिए इस टाइप के प्लांट जो होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है। और इस पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कई बार कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? जीनोगैमी वही चीज होती है, टू डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि इसको हम प्रॉपरली क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं रियल ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं, अब जीनोगैमी और जिटेनोगैमी, इनमें डिफरेंस क्या है? ये वाले जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं बट इकोलॉजिकल सेम नहीं होते हैं, बट ये जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं और इकोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रू पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसी में, मोनोशियस प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, बट फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, कोई भी एक चीज काम नहीं करती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल किसको बोलते हैं इसके अंदर, कैस्टर, ये आपको याद रखना है, कैस्टर, कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स एंड मेस, ठीक है। और ये क्या चीज को करते हैं, ये लोग प्रिवेंट किसको करते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, ये लोग जिटेनोगैमी को प्रेफरेंस देते हैं। मोनोशियस प्लांट लाइक ये यूनिसेक्सुअल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कैस्टर, कुकुरबिटा, मेस, ये लोग किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, ये लोग प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को, लेकिन ये जिटेनोगैमी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट्स, इसके अंदर आपका आता है कि ये भाई पूरी तरीके से सेम प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ये लोग पपाया, डेट पाम, ये क्या करते हैं, ये ऑटोगैमी को भी और जिटेनोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं, ये दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। तो ये एक्सेप्शन केस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद,
अब एक टर्म आती है क्लिस्टोगैमी, CLEISTOGAMY, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमी क्या प्लांट होते हैं, देखिए लिखता जा रहा हूं मैं, बाइसेक्सुअल। ये प्लांट कभी भी ओपन नहीं होते, नेवर ओपन थ्रू आउट लाइफ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस प्लांट बोलते हैं। ये अपनी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सेलिस, इसका एग्जांपल है ऑक्सेलिस, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टर्म आती है बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है कि प्लांट के अंदर क्या, सपोज ये प्लांट है, इसमें एक आउटग्रो डेवलप हो जाए, इसको बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। ऐसा किसके अंदर होता है, वीट के अंदर होता है और राइस के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब आता है कुछ, देखिए अब एक टर्म आती है यूनिसेक्सुअलिटी, इनको बोलते हैं हम लोग डाइक्लिनी, इस टर्म को बोलते हैं डाइक्लिनी टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो फ्लावर होते हैं ना, ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाम, डेट पाम और पपाया, ये पीछे भी आ चुका है आपका पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाइकोगैमी, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, अब इसको डाइकोगैमी में क्या होता है कि इसका जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट, ये कभी सेम टाइम पर नॉट मैच्योर, ये दोनों सेम टाइम पे कभी मैच्योर नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं डाइकोगैमी प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब एक टर्म आती है आपकी प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या होता है कि एंथर कार्पल से पहले डेवलप हो जाता है, यानी ये पहले डेवलप होता है, ये बाद में डेवलप होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंड्री कंडीशन। ऐसा किसके अंदर होता है, आपका होता है कॉटन में, सनफ्लावर में, ये इसके एग्जांपल हैं कॉटन और सनफ्लावर, ठीक है। अब एक टर्म आती है प्रोटोगाइनी में क्या होता है, इसमें कार्पल वाला जो पार्ट होता है, यानी कि फीमेल वाला जो पार्ट होता है, वो पहले डेवलप हो जाता है, जबकि मेल वाला पार्ट बाद में डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हो गया पीपल, अशोका, ठीक है, बनियन ट्री, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली के आते हैं प्लांट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लोरल बड डेवलप होती है, एक फ्लोरल बड डेवलप होती है किस फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में, एक फ्लोरल बड डेवलप हो जाती है किस फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं चेस्मोगैमी कंडीशन, या फिर इसको बोलते हैं एंथीसिस कंडीशन, एंथीसिस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक टर्म आती है इसके बाद हरकोगैमी।
इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए ये एक मेल पार्ट है, ये एक फीमेल प्लांट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बैरियर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बैरियर फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको प्लांट को बोलते हैं हर्कोगैमी कंडीशन। और ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपका कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर, ग्लोरियोसा के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सारे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद, एक सेकेंड थोड़ा है ना, रुकिए जरा, समझ में आ तो रहा है आप सभी की, नहीं आया तो पूछ लेना। हेटेरोस्टाइल कंडीशन, हेटेरोस्टाइल कंडीशन, हेटेरोस्टाइल कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड लेंथ ऑफ स्टाइल, दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है, यानी कि स्टेमन कैसा होता है, स्टेमन तो इसके अंदर कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। ऑफ स्टाइल कैसा होता है, शॉर्ट होता है। आगे बात समझ में, अब ऐसा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जनरली आप इसमें देख सकते हैं, एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ है, हेटेरोस्टाइल कंडीशन, लॉन्ग स्टेम शॉर्ट स्टाइल, ये मेज के अंदर होता है आपका, ठीक है। अब लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पे लॉन्ग होता है स्टाइल और शॉर्ट होता है स्टेमन, ठीक है। ये किस में होता है, प्राइमरोज के अंदर, प्रीमुला के अंदर, लाइनम के अंदर, ठीक है। ये कंडीशन इसमें होती है, ये कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। अब क्या आता है, कुछ एजेंट्स आते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं काम करता हूँ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के ना आपको नोट्स शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है। उसको एक बार आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, उसमें कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार, फिर भी आपको नाम बता देता हूँ, एक बार नाम सुन लीजिए आप लोग। पहले इसके अंदर एक आता है एनीमोफिली, मैं नाम बता देता हूँ, डिटेल में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। मैं एनीमोफिली यानी कि विंड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के थ्रू, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपको शेयर करूंगा। एक आता है जूफिली, ये होता है आपका एनिमल्स के थ्रू। अब इसके अंदर सब पार्ट्स आते हैं, जैसे आता है एंटोमोफिली, ये कैसा होता है, ये इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इनके एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूंगा एक बार, अभी नाम बता दे रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आप पढ़ लेना फिर, लेकिन दोबारा ये मैं आपसे शेयर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा एक और आता है आपका ऑर्निटोफिली, ये आपका होता है किसके संग, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन। एक आता है चिरोपिट्रोफिली, ये होता है बैट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू जो आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है। एक आता है आपका माइरिमोकोफिली, ये आपका होता है किसके थ्रू, टर्माइट्स एंड आंट्स के थ्रू, आंटी नहीं है चींटियां हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है आपका मेलेकोफिली, ये होता है स्नेल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनेशन वाला पार्ट था, ये पार्ट में एक बार आपको इसका नोट्स दूंगा, पढ़िएगा, ठीक है।
फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, फर्टिलाइजेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप सभी पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।